La mai asta, asta. Pune asta, 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 clar. Păi nu. खाली खाली नहीं ये खुद खिलाता है जी इसको, वो अपने आप खाता भी नहीं। हमने ये भी इसका कई बार नोट किया, और ये इसको नहलाएगा भी खुद, इसके कपड़े भी खुद धोता है ये, मतलब वो लैट्रिन बाथरूम में यही रह के जाता है। जहां एक और सरकार बड़े बड़े दावे करती है और आए दिन अखबारों में न्यूज़ चैनलों में आता रहता है कि सरकार ने इस संस्था को इतने करोड़ रुपया दान दिया, इस धर्मशाला को इतने लाख रुपए सरकार ने दान दिए, या एमपी ने या एमएलए ने दान दिए, लेकिन जहां असली मानव सेवा होती है और वहाँ के लिए बड़े दुख की बात है कि वहाँ के लिए किसी भी, ना तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और ना ही किसी एमएलए ने एमपी ने इस ओर ध्यान दिया है। यहाँ एक रुपए की भी कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिली है। और ये जो ये जितने भी जनसेवा दल के जो टीम है पूरी, ये एक एक तरह से जो है भीख मांग मांग कर जो है ये गुजारा इनका कर रही है। और इसको जो बिल्डिंग बन रही है तो इसके लिए जो है ये बड़ी मेहनत के साथ में जो है मिन्नतें कर कर के जो है कि भाई कोई सीमेंट का कट्टा दे दो, कोई रेत का कट्टा दे दो, इस तरह से जो है ये एक तरह से भीख मांगते हैं। वो किस लिए भीख मांग रहे हैं? क्योंकि ये संजीव मूर्तियाँ जो हैं, जो चल फिर नहीं सकती, जिनको अपने परिवार वालों ने जो है घरों से निकाल दिया गया है, सिर्फ उनकी सेवा के लिए जो है इनको मजबूर होना पड़ रहा है लोग बागों से भीख मांगने के लिए। तो हमारे न्यूज़ आर्यवर्त टाइम्स चैनल की ओर से जो है सभी से यह विनती है कि आप जो ये पानीपत के वीवर्स कॉलोनी में जो ये आश्रम, अपना आशियाना आश्रम जो चल रहा है, तो इसके लिए दिल खोल कर दान देने की कृपा करें, ताकि अच्छी मानव सेवा आपके हाथों हो सके और आपको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ जो है मैं अनिल वर्मा, न्यूज आर्यवर्त टाइम से, धन्यवाद। जब आप ठीक थे तो आप क्या काम करते थे? बहु मिठू राम जी हैं। हाँ जी, इनके पास में 20 साल रहा हूँ। अच्छा, दुकान पे। अच्छा, उनकी नौकरी तनख्वाह मिलती थी, वो पैसा अपने ना? तनख्वाह हाँ। नहीं थी। हाँ, रोटी पानी, चाय पानी, बीड़ी। अच्छा, खाना पीना। कहाँ पर काम करते? मिठू की कोई दुकान, चाय वाला है, ये इसी थी, इसी रोड पे ऊपर ही है यार। अच्छा, दूध के, दूध का काम है अब तो उनका। उनके तो आप उस टाइम दिखता था है? दिखाई देता था उस टाइम। हाँ? और अब आपको दिखाई नहीं देता? इस आँख में नजर कम है। अच्छा, कम है। तो अब आपके परिवार ने, आपके भाई या आपकी भाभी ने आपको नहीं संभाला, नहीं रखा? नहीं संभाला जी, बिल्कुल नहीं संभाला। मुझे 20 साल हो गए घर से निकले हुए। निकाला क्यों घर से? कितने बच्चे हैं? बच्चे बहुरी, शादी नहीं करवाई, बच्चे भाई या भाई के बच्चे हैं? भाई के दो बेटे हैं, जो एक की शादी हो गई है, एक कुआरा पढ़ रहा है अभी। मगर इतने दिन हो गए आपको यहाँ, कभी भाई आपका पूछने भी आया आपको, भाई आप कैसे हो, रह रहे हो कभी? बहू जी क्या पूछते हो? हाँ, आज तक उनने ये नहीं पूछा पानी एक गिलास पीना या नहीं पीना, उसके घर बाई चांस चला ही जाऊँ ना। हाँ, पानी भी नहीं पूछता? पानी भी नहीं पूछते, दरवाजा बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब बताओ भाई क्या करता है? बताओ, यहाँ ठीक हूँ जब वहाँ ठीक। चलो यहाँ ठीक हो। भाई आपका करता क्या है, काम क्या करता है? बहू जी काम तो उसका नाम दुकान है, उसकी दुकान है उसकी। किस चीज़ की? सुनारे की। सुनारे की दुकान है। मगर उसको अपने खून का भी, मेरा भाई है, मेरा अपना खून है, उसे कुछ नहीं दिखता, आपको दिखाई नहीं देता। आप घर से बाहर हो, उसने कभी आपसे हाल चाल नहीं पूछा भाई मेरा भाई ठीक है कि नहीं है? आज तक शम्मी के पास इतने दिन हो गए रहते हुए, यहाँ पे यहाँ में रहता था, दुकान पर पास ही रहता था। शम्मी वर्ग बंदा सही, बिल्कुल सही है शम्मी। इसके पापा थे ना शम्मी के,
बेचारे इसका नाम क्या? चलो उन्होंने भी सेवा की, यहाँ सेवा आश्रम में आपकी सेवा हो रही है अच्छी यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सेवा हो रही है जी। और आप यहाँ से अब आप जाना नहीं चाहते हो? ना जी। आप कहते हो जितनी मेरी जिंदगी है मैं यहीं काटूं, यही है ना? मेरा तो ये है, चल दो रोटी खानी थे, रोटी फुलके, दो फुलके तो ही ये है। आश्रम वाले तुम्हारे ठीक रखे हुए हैं तुम्हें? हाँ। कोई कंप्लेंट तो नहीं आश्रम वालों? ना ना ना, कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, चाय के साथ चाय देते हैं, रोटी के साथ रोटी देते हैं, पानी के साथ पानी देते हैं, फल फ्रूट आए तो वही देते हैं। अच्छा अच्छा, और तो आप अपने बची हुई जिंदगी को यहाँ खुशी से भगवान का नाम लेके काटना चाहते हो? बस इन आश्रम वालों को रोज नहाता नहलाते हैं, कपड़े तेरे धुलाते हैं। नाम क्या है? सुदामा। सुदामा कहाँ के रहने वाले? बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास रहते हैं। और माँ? माँ है। माँ कहाँ चली गई? भगवान के पास चली गई है। चली गई है। और माँ के बिना तू उदास होता है? तेरे माँ बाप, तू हमसे मिलता है ना गले? कैसे मिलता है गले, मिल के दिखाओ जी। तो तेरे को अच्छा लगता है हमारे से मिलना? अच्छा। कैसे, इससे मिलता है? रोटी चाय पानी, रोटी चाय पानी अच्छा देते हैं, नहलाते हैं, लाते हैं, और तेरे को फ्रूट भी देते हैं, फ्रूट ही देते हैं। अच्छा अच्छा, तू यहाँ पे खुश है? ऐसा है, जब हम पता लगा था, किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग माता जो किराए पे रहती है, कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। तो जब हमें जनसेवा दल को इस बारे में पता लगा तो हम वहाँ जाकर देखा, इसकी माँ दो दिन से बेहोश है, इसको पानी भी नहीं मिला, ये अपनी माँ को देख रहा है, जो कि ये मंदबुद्धि है। मगर जैसे ही जनसेवा दल की टीम को पता लगा, वो एम्बुलेंस लेकर उसको पहले सरकारी में ले गई, सरकारी वालों ने उसे नहीं रखा, जवाब दे दिया, तो उसे प्राइवेट में उसका इलाज कराया गया। जब प्राइवेट में उसका इलाज कराया गया, 3 दिन लगातार आईसीयू में रही, जहां पर लगभग 35 से 40 हज़ार के करीब खर्चा भी आया, मगर परमात्मा को वह भी मंजूर नहीं था, इसकी माता को उस परमपिता परमात्मा ने ले लिया, तो इसके पास अब रहने का कोई सहारा नहीं है। तो इसी को देखते हुए समाज में, जैसा कि ये जन सेवा दल ने एक अपना सियाना बनाया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें इस दुनिया के बारे में नहीं मालूम कि क्या है, इसे अपना सियाना में लाए हैं। और अब इसे इतनी खुशी है, इसके लिए माँ भी बाप भी, ये हम खुद ही सब हैं। जब भी हम आते हैं, हमारे गले के साथ ही लिपटता है, कहता है मुझे माँ के पास ले चलो। हम इसको जब अपने गले से मिलता है, तो इसे ऐसा एहसास होता है कि मैं अपनी माँ से, अपने बाप से मिल रहा हूँ। तो हमें भी इस बात की बहुत खुशी होती है, ऐसे लोगों की सेवा करके जिन्हें इस दुनियादारी के बारे में नहीं मालूम है, और इन्हें ऐसा ही खाना मिलता है, जिन्हें आज आप देख रहे हैं कि कभी भी जो चीज़ हम अपने घर में खाते हैं, वही चीज़ इनको खिलाते हैं, ताकि इनको भी ऐसा ना लगे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर इनकी खुशी से ही हमारी खुशी है। बताना है आपने? हाँ बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताओ बाबा जी। बोलो नाम, बोलो नाम। आपका नाम क्या है? नाम जी सत्ताल। कहाँ रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? सिंगड़े के। सिंगड़ा निशंक के पास है, सिंगड़ा के पास। तो आपके घर में और कौन कौन है, पूछ रहे हैं? मेरे दो भाई हैं, एक सिस्टर है। क्या करते हैं वो भाई? जमींदार हैं। आपके भाई क्या करते हैं? एक भाई तो यहाँ करनाल कपड़े का काम करता है, तो एक किराने का दिल्ली में रहता है। ओ, आप क्या करते थे? और नहीं अभी नहीं, आप क्या काम करते थे? मैं तो जी ऐसे ही एक दो डंगर टंगर रख के तो उनका दूध दाध बेचू था। तो बच्चे तो आप 6 महीने हो गए मेरे को बीमार पड़े को। 6 महीने हो गए आपको बीमार हो? आपके परिवार आपको यहाँ पर छोड़ के गए हैं? नहीं। और हाँ, कौन लेके आया यहाँ? यहाँ कौन लेके आया? ये तो एक आप जैसा था जिसके पास। अच्छा, यहाँ में रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा था, मैं वहाँ से आया तो यहाँ आने के बीमार हो गए किसी दोस्त के, तो वहाँ से फिर वो छोड़ गए यहाँ रहने वाला। बाबा जी ये बता, पूछो आप सब कुछ बोलेगा जी। संभाल का से जी। संभाल का से? हाँ। शादी हुई हो गई? शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई थी। भाई? भाई कितने हैं? भाई गुजर गया, दो ही भाई थे। दो ही भाई थे।
और भतीजा नालायक है, पता नहीं कैसे कैसे काम धंधे कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें रखने से मना कर रहे हैं। मना कर दिया भतीजे ने रखने से? जमीन हाँ। जमीन जायदाद घर वगैरह है उसका उसका बाप ने बेच खा था पहले ही। पहले बेच खाया था? हाँ। भतीजा क्या करता है? वो अपना भैंस वैस रख रहा है, दूध डालिए। और आप लोग क्यों नहीं रखते? बस ये अब कुछ दिमाग फोर्स सोच की बात हो जाए। तो अब ये बताओ, शादी भाई की हो गई, तुम्हारी क्यों नहीं हुई शादी? वो जमीन बिचवा दिए के बाप ने, बड़े भाई ने। अच्छा, जमीन साल पहले की बात है ये, जब 10-12 साल का आया हूँ। 12-10 साल से। अच्छा, उस टाइम बेच गया, फिर ना पढ़ाई हुई। अच्छा, फिर शादी वादी कौन करे था? तो अब जो ये आपको यहाँ तो पैर में जो ये पैर कटा हुआ, ये कैसे है? ये मोटरसाइकिल टक्कर मार कर पड़ गया। कब की बात है ये? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल पहले जो है हाँ अभी ये बहुत लोग लाए हैं। तो ये कहाँ से लेके आए तुम? हॉस्पिटल में। अच्छा, भर्ती था तो हॉस्पिटल में जो है, हॉस्पिटल वालों ने इलाज नहीं करा क्या? इलाज तो करते हैं, उसके बाद रहने के लिए जगह नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, फिर बाबू जी ने, वही डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पर ऐसा संस्था है, उनके पास चले जाओ। ओ, अब यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ रह रहे हो, यहाँ टाइम पर खाना मिल रहा है? टाइम से पहले थी सारी चीज की सुविधा है। अच्छा। नहाने की, धोने की। तो बैठा नहीं जाता ठीक से? हाँ, बस वही थोड़ी दिक्कत। अच्छा, परेशानी है? परेशानी, बैठ नहीं सकते। हाँ ठीक है फिर। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम वंश है। वंश। वंश, और मम्मी पापा? पापा है, मम्मी नहीं है। पापा है, मम्मी नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? तो और आप कैसे? मैं ऐसे ही। अच्छा, तो यहाँ यहाँ कैसा? सही है। अच्छा, ये पैर कैसे जो है, पैरालिसिस हुआ पैरों में, क्या हुआ? ये चल कैसे नहीं सकता बताओ? मैं पोलियो है मेरे को, मैं नहीं चल सकता। अच्छा, पोलियो है। पोलियो की वजह से जो है ये? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई की? ना, पढ़ाई छोड़ दी मैंने। कितने, कौन सी क्लास सर? मैं 6 तक पढ़ाऊँ बस। 6 तक? कहाँ? श्याम अटन स्कूल में है? स्कूल के पास मेरे। कहाँ पर? क्या नाम था स्कूल का? श्याम अटन कहता रहा हूँ। श्याम अटन स्कूल। अच्छा, श्याम अटन स्कूल। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है पढ़ाई नहीं की? हाँ, उसके बाद नहीं की। तो इसका इलाज विलाज कुछ कराया नहीं पैरों का? पैरों का पहले ऑपरेशन हुआ एक बार। अच्छा, ऑपरेशन हुआ एक बार, फिर नहीं हुए सही? हाँ। तो पापा कहाँ हैं? यही तो रहे। अच्छा, तो आप भी यही रहते हो जी? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या करते हो यहाँ? सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा करते हो यहाँ, सभी की सेवा करते हो? हाँ जी। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपने जो है अपने बच्चे के साथ साथ जो है यहाँ सभी की आप सेवा कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? मौला। मौला जी। हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये विवर्स कॉलोनी में जन सेवा दल द्वारा संचालित यहाँ ये आश्रम चल रहा है, जहाँ पर अपने घरों से बेघर हुए, बेसहारा लोग यहाँ रहते हैं, जिनको परिवार वालों ने कोई सहारा नहीं दिया और घर से निकाल दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ जो हमारे गुलाटी जी हैं, मोहित जी हैं, तो इनकी देखरेख में जो है, चूँकि इन्हीं के सुपरविजन में जो ये आश्रम चल रहा है, और यहाँ पर करीब 12 लोग अभी रहते हैं, और करीब 50 के करीब जो है यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये भवन का निर्माण हो रहा है।
तो अभी तो ये छोटा है, लेकिन अब जब ये बन जाएगा तो नीचे भी और ऊपर भी जो है यहाँ करीब 50 बेड और लगेंगे, और उसमें जो है फिर 50 लोगों के लिए और यहाँ सुविधा होगी, और जो घर से निकाले गए बेसहारा लोग यहाँ अपने पनाह ले सकेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे भी हैं कि जिनके बड़े अच्छे अच्छे परिवार हैं, और उनको जो है परिवार वालों ने धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि वो इस लायक नहीं रहे कि वो कुछ कमा सकें, तो जिसके लिए ये जनसेवा दल आगे आकर उनकी सेवा में लगा हुआ है, और उनको जो है अच्छा खाना और फल फ्रूट चाय नाश्ता वगैरह सब, उनके कपड़े धोना और उनकी लैट्रिन वगैरह जो है वो भी साफ़ करनी, ये हमारे गुलाटी जी और उनकी टीम यहाँ बड़ी बखूबी से जो है ये कार्य कर रही है, प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं गुलाटी जी और उनके सहयोगी, उनसे बात करते हैं। और गुलाटी जी, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, आपकी देख रेख में जो ये चल रहा है, तो ये आपको जो है कैसा महसूस होता है यहाँ इनके बीच में रह करके, और जब इनको जो है आप इनकी सेवा करते हैं? सबसे पहले मैं न्यूज आर्यावर्त का धन्यवाद करता हूँ कि आज वो ऐसे स्थान पर पहुँचा है जिससे लोगों को बहुत ही जागरूक किया जाएगा। पानीपत शहर के अंदर एक अपना सियाना जनसेवा दल अपना सियाना बनाया गया है, जिन लोगों को कोई नहीं संभाल पाता, जिन लोगों को कोई नहीं संभाल पाता, उन लोगों के लिए अभी आप इस न्यू आर्यावर्त चैनल के माध्यम से देख रहे थे। हरेक से हमारे इस भाई ने बात भी की है, उसके बारे में पूछा भी है, मगर हम इन लोगों को ये नहीं समझते कि इनका कोई नहीं है, इन्हें हम अपने परिवार की तरह रखते हैं। जो घर में हम खाना खाते हैं वैसा ही खाना इनको खिलाते हैं, इन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम इन लोगों की सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने पूरे शहर वासियों से गांव वासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जन सेवा दल अपना सियाना के साथ जुड़ें, अपने बच्चों के आप चाहे जन्मदिन मनाएं, या कोई सालगिरह मनाना चाहता है, या कोई वर्षगांठ मनाता है, इन परिवारों के साथ आकर मिलाएं। इनके साथ अगर आप बनाएं, इनके साथ मिलकर अपना ये बनाएंगे, तो आपको ये लगेगा, इन्हें भी ये लगेगा कि हमारा भी इस दुनिया में कोई है। तो जो भी सेवा के कार्य होते हैं आप सभी के सहयोग से चलते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि जन सेवा दल का अपना सियाना जो ये बनने जा रहा है, अभी 12 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और हम इसे 50 बेड का बना रहे हैं। तो मैं अपने पूरे शहरवासियों से यही प्रार्थना करूँगा कि चाहे कोई भी, हम मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उस सजीवित लोगों के लिए ये मंदिर है। आप इसमें भी आप अपना हिस्सा जरूर डालें, चाहे कोई 10 ईंट की सेवा कर सकता है या एक सीमेंट कट्टा सेवा देना चाहता है, वो इस मंदिर के अपना अंदर अपना सहयोग जरूर दे, ताकि जो ये सजीवित मूर्तियाँ हैं इनकी सेवा भी अच्छी प्रकार हो सके। तो मैं पुनः आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा, हम लोग धन दौलत इकट्ठी करते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, वो जरूरी है, मगर उससे उत्तम जरूरी है निष्काम सेवा का कार्य है। हम लोगों की इनकी सेवा करते हैं, आप लोग भी इसकी सेवा करेंगे जो हमारे साथ जाएगी। तो मेरे साथ मेरे मित्र कमल गुलाटी जी, जिनका पूरा सहयोग रहता है, इधर मोहित सोडी जी बैठे हैं। देखो, एक चीज़ को, एक सेवा के कार्य को अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता, जब तक उसका पूरा साथ नहीं मिलेगा वो इस सेवा कभी नहीं हो सकती। मैं पुनः अपने शहरवासियों से और हमारी पूरी जनसेवा दल की टीम जो इसमें सहयोग कर रही है, कोई भी इसमें सेवा के कार्य में जुड़ना चाहता है वो ज़रूर आए, ताकि उसे भी ये लगे कि सेवा के कार्य करने के बाद कितना आनंद आता है। अभी चाय बनाते हैं। राम राम बोलो, जय श्री राम।
आओ जी आओ। बाबा जी राम राम। राम राम बोलिए। राम राम। क्या कभी ब्रेड भी मिल जाता है? ब्रेड भी मिल जाता है। यहाँ पर आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। रोटी खा रहे हो? मिलना है। अच्छा ठीक है, रोटी खाओ। क्या लाऊं? अचार। अचार ले आता हूँ। बहुत सी फाड़ी दे रहे। हाँ भी लो, अचार लो। राजू को भी ले आऊं यहाँ पे? अच्छा, माँ को मिलना है? माँ को ठीक। हाँ जी, कोई ऐसा बंदा ले आओ जड़ा इधर आएंगे। तूने याद ही नहीं किया मेरे को, पता है अभी तो आया हूँ। तूने याद ही नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। अब नहीं करता। कर लो बस। ये आ गया अशोक? हाँ जी। हैं? हाँ। खुश है अब? कुछ कहाँ गया था? देर क्यों लगाई? पूछा इससे और तेरे लिए क्या लाना आज? राजू। राजू भाई को लेके आऊँ? यहाँ पे रखेगा उसको? अच्छा रुकेगा। अच्छा रोटी देंगे, रोटी देंगे, रोटी देंगे उसको। इसको भी समझाएंगे। तू यहाँ पे अच्छा काम करता है ना? सर को रोटी और अच्छा सब्जी कौन सी बनाए बता? बता क्या बनाए? पालक। पालक और भिंडी। और क्या बनाए? पनीर लाए। पनीर पनीर लाएगा। दूध आया हूँ। अच्छा दूध आ गया तेरे लिए? आम खाए? आम आम नहीं खाता। अच्छा नहीं लगता। तरबूज अच्छा लगता है? वो खाता है। आइसक्रीम? तेरा मन लग गया यहाँ पे? सबका ध्यान रखता है? इसको टीवी बोला, टीवी ठीक करा? ठीक कर दिया। करा दूंगा, आज करवा दूंगा। रोटी नहीं खाई अभी तक? क्यों नहीं खाई? खाओ इसको, पानी का गिलास इसको उधर रख। घर में कौन कौन है तेरे? तेरे घर में कौन कौन है? बोभी भाभी ये और कौन है? चौची बोल। और कौन है? सारे सारे पापा है का? कटे नहीं करा लेगी भाभी आगी। तुम घर नहीं रखते हो? क्यों नहीं रखते? ठीक है तेरे मारते। तेरी पेंशन तो ले लेने। तेरी पेंशन वो लेने ना, जेरे पैसे आते तेरी भाभी लेंदी है। राम राम बाऊजी। किया दे चुकी चाचा। इधर बाऊजी। ऐ इधर रोटी बनी मिलती भी नहीं मिलती भी? वो फर्स्ट क्लास। नहीं उन्हें ये क्या रहे? जिथे तनु ऐसी ले आए थी जिथो, उसे छाड़ दी तनु वापस। क्यों? उसे क्यों नहीं जाना चाहता? दस दो थोड़ी गल दस दो कोई गल। चाचा बोल के दस ना। पानी पानी पी ला। पानी पी पहले। पहले पानी पी ला। गल है वे एक मीठा पी की सूरत है। अच्छा रोटी दी चाह दी पानी दी जेड़ी चीज मंगा बेचारे दे देते दे। अच्छा तेन घर क्यों नहीं रखता? शादी की अपने हाथों इनू मकान ही बना दिता, सब कुछ कर दिता। परमात्मा ने ऐसी करनी मारी, मैनू घरों बाहर कट गया। तू मकान बनाई तू